डर गई, डरना भी चाहिए। अब ये तो साफ हो गया कि तुम उसे जानती थी। अब ये भी साफ साफ बता दो कि तूने हमसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा? याददाश्त खोने का नाटक क्यों किया? मैंने कोई नाटक नहीं किया, मेरी याददाश्त सच में चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। हमारे बेटे को दीवाना बनाने और इस मुल्क में घुसने के लिए तुम्हें वो सजा देंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी, कभी भूल नहीं पाओगी। और उससे भी बड़ी सजा मिलेगी, पड़ोसी मुल्क से होने की। नफरत है हमें पड़ोसी मुल्क से। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ानियां के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, जिस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान यूं तो सरहद पार करके आसमा को बचाने के लिए, उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ चुका है, लेकिन इस बीच उसकी दोस्ती मुर्तजिम से हो जाती है क्योंकि अरमान मुर्तजिम की जान बचाता हुआ दिखाई देता है। तुम जैसे लोगों से तो फिर क्यों बर्दाश्त कर रही हैं आप मुझे? मारिए, मारिए, ये खेल खत्म कीजिए, मारिए ना, सोच क्या रही है? जिसके बाद मुर्तजिम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अरमान जब आसमा से मिलता है तो आसमा की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे आसमा जो है अरमान के साथ प्लान बनाती है अपने मुल्क जाने का। ये दोनों पड़ोसी मुल्क से भागते हैं लेकिन अरमान को पकड़ लिया जाता है और अरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है बेगम साहिबा, जहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है, उससे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है, उसे जासूस समझा जा रहा है जो जासूस आसमा को भगा कर ले जा रहा था। दूसरी तरफ आसमा को लगता है नहीं, मैं अकेली कैसे जाऊं, अगर अरमान के साथ कुछ गलत हो गया अरमान के साथ ही जीऊंगी, अरमान के साथ ही मरूंगी। वहीं पर दूसरी ओर मुर्तजिम को भी बड़ा झटका लगता है कि हमने तुम्हें क्या सोचा, हमने तुम्हें मित्र समझा लेकिन तुम तो अलग ही दुश्मन निकले, इसे जब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे। आने वाले एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। क्या मुर्तजिम जो है आसमा और अरमान की भगाने में मदद करेगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।